नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं सीबीसी का खास कार्यक्रम नगर परिषद का रिपोर्ट कार्ड। और यहां हम जानेंगे लोगों से क्या उनके पार्षद उनके वादों पर खड़े उतरे या नहीं, क्या उनके जो पार्षद है उनके 5 साल के कार्यकाल से खुश है या नहीं, क्या उनके पार्षद ने उनके द्वारा जो किए गए वादे वो पूरे करे या नहीं। यहाँ की जो पार्षद है आशा राठौड़, उनसे जानेंगे और उनसे कड़े सवाल करेंगे जो जनता हमें बताएगी कि उनके समस्या का समाधान हुआ या नहीं। खैर बात अलग है, ये बोर्ड आप देख रहे होंगे कि टेढ़ा है और वार्ड की क्या हालत होगी, ये बोर्ड की तो खैर बात अलग है, लेकिन हम जानेंगे लोगों से क्या उनके पार्षद जो है क्या उनके वादों पर खड़े उतरे या नहीं। चलते हैं वार्ड की ओर और रुक करते हैं हम वार्ड की ओर। वार्ड 19 में आगे बढ़ते हुए हम दरा में मौजूद है, यहाँ के कुछ वार्ड वासी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करके आपकी परेशानी जाने। क्या सर, क्या परेशानी है? परेशान तो साहब क्या है कि ये नाला का वो पानी निकलता है, वो मतलब यहाँ से ये गंदा पानी आता है तो हमारे बास्ता है, हमारे बच्चे को तकलीफ ये होती है। बाकी सुशाले का हमारा अच्छा है, थोड़ा ही रोड थोड़ा जी हाँ, सुशाले का ये पानी शौचालय का निकलता है कि कहीं और से आ रहा है? वो नाला है उसका, वो पंप बना है। अच्छा, ये पानी डूंगरे से आता है? सुशाला वाला वो गंदा जो पानी है ना गटर का, वो सब वो निकलता है, वो यहाँ इस नाली से आता है तो वो इतना बुरा बास्ता है। और इसके साथ कहीं मच्छर वच्छर भी होते होंगे उसके कारण? मच्छर वच्छर भी होते हैं, सब होते हैं साथ, वो तकलीफ है। बाकी पार्षद से आपने कभी इस पे शिकायत की? नहीं, पार्षद से अभी तक नहीं किए थे, पर अभी वो चालू वो भर गया ना। हाँ, वो पार्षद तो किया था, नहीं वो भूल गया, बोलो पार्षद को किया था सर, मतलब वो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ सुनवाई की इस पार्षद? पार्षद फिर देखते ऐसे कर मतलब वो सुनवाई नहीं ली और फिर वो पानी आता वो भर जाता निकलता है। इसके अलावा कोई परेशानी? इसके अलावा तो ये बस ठीक है साहब, सुशला सबसे बड़ी परेशानी है बस। और भी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे क्या परेशानी? हमारा जाने का रास्ता नहीं है, घर जाने का, रात को पानी कितने पानी बारिश में पानी आता है, कितना बहुत पानी आता है, जाने का रास्ता नहीं है, कोई है नहीं, नहीं पकती है नहीं रास्ता है कुछ नहीं। आप देख सकते हो ये पहाड़ पे हम रह रहे हैं, ये समस्या है हमारे। सबसे बड़ी परेशानी यानी कि रास्ते की है? रास्ते की है। आपने इसकी शिकायत पार्षद से की थी? पर कर रहे यूँ किए, अभी तक तो कुछ करा ही नहीं है, मतलब बात टाल रहे आप? हाँ वही है, हमारा ये रास्ता है, पास में ही तो मकान है ये तो। हाँ तो ये सभी बोलो। और भी आगे हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या शिकायत है? हमको भी यही शिकायत है, रास्ता हमारा वही है, वही नाला है, अभी करवाया नहीं है तो कब से क्या क्या करे पर कोई सुनवाई दे नहीं रहा है। तो ये नाला हो जाए तो हमारे बच्चे की परेशानी नहीं हो, पानी आता ऊपर से के कारण क्या मच्छर वच्छर यहाँ सब आते हैं। वो बाथरूम का नाला भी फूटा है बम्बा, उसमें से भी गंदा पानी निकल जाता है हर वक्त, हमारे रास्ते पाँव में ही आता है। बाढ़ से जुड़ी कोई परेशानी आपकी? बाढ़ से जुड़ी कोई परेशानी? कोई भी सफाई नाली कुछ भी सड़कें दिक्कत? वो तो कर रहे, सब कर रहे उनके हिसाब से, तो सब कर रहे, बाकी हमारे ये परेशानी में ये सबसे बड़ी ये परेशानी, ये कचरा सारा क्या रोड में जमा हो जाता है। जहाँ आप एक तरफ मेरे पीछे देख सकते हैं कि सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है ताकि यहाँ स्वच्छता बनी रहे, लेकिन एक दूसरा पॉइंट ये उभर कर आता है कि उसी शौचालय से निकलता हुआ गंदा पानी जब नाली बिना नाली के माध्यम से शहर के बीच में या फिर इनके घरों के आसपास मौजूद करके इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ बदबू तो आती है, साथ में स्वच्छता जिस स्वच्छता के माध्यम से इसको बनाया गया था उस स्वच्छता का पूरा निर्माण बेकार हो जाता है जब वो पानी जमा हो जाता है इनके घर के पास में, उससे मच्छर पनपते हैं, कई सारी बीमारियाँ होती है और इस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की बीमारी भी होती है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपने सार्वजनिक शौचालय के ध्यान दिया है तो यहाँ के आसपास के इलाकों की स्वच्छता का ध्यान देना भी ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सार्वजनिक शौचालय के पास में आप देख सकते हैं किस तरीके से कच्ची गिट्टियाँ भी नहीं कह सकते, मिट्टी पड़ी हुई है, इस मिट्टी के कारण यहाँ के आसपास रहने वाले लोग और यहाँ जो घर में है उनको खास दिक्कत आती है, बारिश के समय और भी ये दिक्कत बढ़ के सामने निकल कर आती है। ऐसे में कच्चा रास्ता होने के कारण और ये गंदा जमा हुआ पानी के कारण यहाँ के आसपास मौजूद जितने भी लोग हैं उनको खासी परेशानी देखने को मिलती है। इसके साथ हम और भी आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करके जानते हैं कि उनकी आखिर परेशानी क्या है। लता बासर, क्या आपके जो पार्षद हैं
उनके काम से संतुष्ट हो? काम से संतुष्ट है, लेकिन सर कभी आते है कभी नहीं आते, ये झाड़ू लगाते तो कचरा लेके भी नहीं जाते। आपके जो वार्ड में क्या मेन समस्या, झाड़ू और नाली साफ नहीं? नाली तो साफ होती है लेकिन कभी आते है कभी नहीं आते। सफाई कर्मचारी? हाँ। इसके बारे में आपने कभी पार्षद को बताया? बार बार कहने चाहते हैं लेकिन वो तो आ जाएगा ले जाएगा यूं करके वो तो बात ही नहीं करती है ज्यादा। कौन बात नहीं करती? वो पार्सल। पार्सल? हाँ। तो उस बारे में और आपने कभी नगर परिषद में बताया? नहीं, नगर परिषद में नहीं बताया। सीबीसी न्यूज के नगर परिषद की रिपोर्ट कार्ड में वार्ड 19 में आगे बढ़ते हुए हम मिर्ची गली में आप पहुंचे हैं, जहां हम यहां के लोगों से, यहां के जो वार्ड वासी है उनसे बात करके जानेंगे कि क्या कुछ विकास पिछले 5 सालों में हो पाया, क्या पार्षद अपने वादों पर खड़े उतर पाए, और भी ऐसे कई सारे सवाल जो यहां के लोगों के मन में है, आइए इनसे बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूं। आराधना कंसारा। आराधना जी, क्या कुछ कमी खामी रह गई पिछले 5 साल के विकासों में? ये क्या है, पार्षद आकर हमको कभी कुछ बारे में कुछ कहते ही नहीं हमको, और कभी भी हमारे गली में आकर उनके बारे में कुछ भी पूछना कि कुछ क्या करवाना है, कुछ भी करवाना, कुछ भी नहीं बोलते हम। 5 सालों में कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और कुछ काम होता है तो हमको मैसेज भी नहीं देते कि भाई इस तरह से ये हो रहा है तो आप आओ, और आप हम भी बताते आपको, कुछ भी हमको बोलते हैं। किसी चीज़ की जब आप शिकायत लेके पार्षद के पास जाते क्या वो सुनवाई करते हैं? कुछ भी नहीं, बस आएंगे कल आएंगे आ जाएंगे, इससे बात को टालते रहते टालते रहते। जो इन्होंने 5 साल पहले अपने वोट के लिए वादे किए थे क्या वो पूरे करते हुए दिखाई देते हैं आपके पार्षद? शक्ल ही नहीं बताते, बस इनको वोटिंग की जरूरत होती है ना तब ये अपने 15-20 दिन तक अपने पास आते रहते हैं, बस उसके बाद में आकर पता नहीं लगाते कि कुछ क्या पड़ा है कि कहाँ कचरा ले जा रहे कि क्या कुछ काम करे कुछ भी। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद? 10 में से 2 भी दो तो क्या नंबर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? मीनाक्षी गंसा। मीनाक्षी जी, क्या कुछ कमी खामी रहेगी पिछले 5 साल के विकास में? कमी उन्होंने उनकी जो एक्टिविटी है उनमें उन्होंने जरा भी खरे नहीं उतरे, मतलब मींस जो एक पार्षद की एक्टिविटी होनी चाहिए उसमें उन्होंने बिल्कुल भी आगे होके बढ़ के नहीं किया। पार्षद की आप समझते हो पार्षद की एक्टिविटी क्या होती है, बस वो उन चीज़ों में वो खरे नहीं उतरे। आप इसकी शिकायत लेके पार्षद के पास जाती होंगी? बहुत बार मिल गए हैं, ऐसा हुआ है। वो क्या कहते हैं? उनके पास टाइम नहीं होता है, कभी बच्चे नहीं हूँ होता है उनके। क्या कुछ परेशानी है आपके वार्ड से जुड़ी? नाली सड़क हम तो देख ही रहे हैं, आपके लिए क्या परेशानी है? भैया हमारे लिए तो यही घर, ये हमारे एरिया में जो है वो समस्या है, उसको जो हल कर सकता है वो कर सकता है, पर वो उन्होंने नहीं करी कभी भी हमारे लिए। इसके अलावा जब आप पार्षद को ये नाली और सड़कों से जुड़ी परेशानी बताते हैं तो वो क्या बात टालते हुए दिखाई देते हैं? बात टालते हुए तो नहीं, लेकिन हमारे घर में अभी फुर्सत नहीं है, वो मीन्स टालना ही हुआ। कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद? एज अ 3। और भी महिलाएं हमारे साथ, आइए बात करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। निशा कंसारा। निशा जी, क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? मतलब थोड़ा वो तो ये ध्यान देना चाहिए कि पार्षद को यूँ, मतलब जो अपना वार्ड में जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है कुछ हमको देना चाहिए, कोई जैसे नगर पालिका में कुछ मीटिंग वगैरह वो भी हमको कहते नहीं है कभी भी, फिर वह हो जाए फिर बुलाते हैं तुम तो आते नहीं, ऐसे कुछ सूचना ही नहीं देते हमको, मतलब उस बारे में भी। इन सबको लेकर शिकायत करते हैं पार्षद से? मतलब पार्षद कुछ ध्यान नहीं दे रहा है मतलब पूरी तरह से। गए थे नगर पालिका में परसों ही गए थे, कोई यहाँ पे सफाई करने नहीं आता हमारी नालियाँ, हम ही आधी सफाई तो हम ही कर देते हैं यहाँ पे, तो भी कोई आता ही नहीं यहाँ पे, सफाई कर्मी नहीं आता। हाँ, कोई भी आता ही नहीं यहाँ। आपको निजी रूप से सफाई करनी है? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद? क्या दो पार्षद का आते ही। और भी हमारे साथ महिला है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ कमी रह गई है पिछले 5 साल? कचरे का ही है मेरे झगड़ा हो ज्यादा, सबसे बड़ी मुश्किल कचरे की है। कचरे के और यहाँ की कोई कभी सड़क भी कहीं खड्डा पड़ गया दे सफाई करवाई है, खड्डे में सीमेंट करवाया वो भी नहीं करवाया कभी भी। सफाई की गाड़ी जो आती है तो वो सफाई यहाँ करती है? वो तो बोलने आता है यहाँ पे, पर जो दूसरा आता है वो नाली साफ करने वो तो आता ही नहीं, अंदर बिल्कुल नाली साफ नहीं करता वो। कचरे वाली गाड़ी यहाँ तक नहीं आती? लेने नहीं आती? लेने तो अब कचरा हमको डालने जाना पड़ता है। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से क्या, 2। छोटी गाड़ी की व्यवस्था की बात चल रही थी, उसके ऊपर क्या हुआ? कोई नहीं आया ही नहीं, मना कर दिया, फिर हमारी लड़ाई होती है
500 रुपया लेते यूँ करके हमारे ना वो 500 रुपया काट लेते हैं मेरे तनख्वाह में से, यूँ कहा उन्होंने। फिर हाँ यूँ के कचरा आप तो वहीं जाके डाला हो। और भी एक और महिला है हमारे साथ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ परेशानी है आपको वार्ड से जुड़ी? परेशानी वो ही हमारे कचरे की नहीं, नालियाँ साफ करने की नहीं, बस हमारे तो सब साफ सफाई होनी चाहिए बस। हमारे कुछ भी विकास नहीं हुआ हमारे वार्ड में। वो बोल के जाते हैं जब वोट लेने आते हैं तो बोल के जाते हैं हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, फिर वोट मिल जाते उसके बाद में कोई आता ही नहीं है, कोई उससे कोई सुनवाई नहीं करता है कोई भी। शिकायत करते होंगे आप? हाँ पार्षद से हमने 2-3 बार बोला है पर वो आते ही नहीं है, अब क्या बोले बार बार उनको। कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद को? 10 नंबर दे उनको तो मैं तो कुछ नहीं देता, 1-2 नंबर देते और कुछ नहीं देते, क्या नंबर देंगे उनको? कुछ काम ही नहीं करते क्या नंबर देंगे, क्या करेंगे उनके लिए? मिर्ची गली में वार्ड 19 में हम खड़े थे, हमारे यहाँ कुछ महिलाएं साथ मौजूद थी जिनसे हमने बात करके जाना कि किस तरीके से सड़क और नाली की सफाई एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चिंता है। मैं आपको बता दूं कि मिर्ची गली में 15 से 20 घर होंगे जिसमें ये परेशानी आमतौर पर देखने को मिल जा रही है, और कहीं ना कहीं पार्षद के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जन द्वारा कि वो बात को अनसुना कर देते हैं और उनकी जो शिकायत होती है उस पर जल्द से जल्द या फिर तुरंत रूप से सुनवाई नहीं ली जाती है। इसी तरह वार्ड 19 में हम आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों से और भी बात करके जानेंगे कि आखिर वार्ड 19 से जुड़ी क्या कुछ परेशानी सामने आ रही है, और आपको कैमरे में तस्वीर जरूर दिखाएंगे। वार्ड 19 के आगे बढ़ते हुए कसारा चौक में हम मौजूद है जहां हमारे साथ वार्ड वासी कुछ महिलाएं बैठ गई। आइए इनसे बात करके जाने कि आखिर क्या कुछ विकास हुआ है आपके वार्ड में। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम रामेश्वरी कसारा है। मैं जानना चाहता हूँ क्या कुछ विकास हुआ? हमारे यहाँ 2-3 मोहल्ले में मकान है और ये सड़क का काम थोड़ा करवाना था वो करवा दिया, बाकी तो कोई काम था नहीं। हाँ संतुष्ट है अपने पार्षद के काम से? संतुष्ट? हाँ संतुष्ट है। कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद को? 10 में? 10 में से 8। 10 में से 8? 2 नंबर की कमी क्यों? वो कम आते थे ना इसलिए। और भी महिला है उनसे बात करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँ। माया कंसारा। माया जी क्या कुछ कमी रह गई पिछले 5 सालों में? कमी तो कुछ नहीं रही है ऐसे, बाकी थोड़ी बहुत रह गई है, नालियों का काम उन्होंने करवाया नहीं है। नालियों का काम होना चाहिए था पर आपने शिकायत की इसकी? हाँ की थी पर उन्होंने करवाया नहीं। क्या कहा उन्होंने जब आपने शिकायत की? करवा देंगे यूं। अच्छा तो बात करिए और आगे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 8 दे दो। चलिए ठीक है और भी आगे बढ़ते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अभी जगह नीना, नीना श्रीमान। कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद? वही 8 ही, ये सब हम उनके साथ ही है। क्या कुछ विकास किया उन्होंने? हाँ बस ये हमारे गली का काम करवाया है उन्होंने बस, हमारे तो और कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। आपकी शिकायत सुनी? कभी तो हम उनको प्रॉब्लम फोन करके पूछते हैं क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने बोला हम बोलेंगे आगे, यूँ बोला उन्होंने। पानी की समस्या है? हाँ पानी की गर्मी में समस्या रहती है बहुत। हाँ अभी 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 तो बहुत अच्छा पानी आ रहा है। आप बताइए आपका नाम क्या है? मीनाक्षी गंजारा। मीनाक्षी जी क्या कुछ कमी खामी रह गई? कमी तो कुछ नहीं है पर ये पानी की समस्या है बस। कुछ टैंक लगवा दो हमारे। अभी सर्दियों में भी पानी की समस्या? नहीं अभी नहीं, गर्मियों में। और जब पानी की समस्या की शिकायत करते हैं वो सुनवाई करते हैं? नहीं टाल देते आपकी बात। क्या कहते हैं? कहते थे कोई करवा देते करवा देंगे वो बोलते हैं बस। तो मतलब जब दौरे पे आते हैं पार्षद जी? नहीं आते हैं बहुत कम, जो उनके काम होता है तो ही आते, बाकी तो ऐसे नहीं आते। ऐसी कोई योजना होती है उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं? नहीं वो भी इन्फॉर्म तो नहीं करते कभी भी। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 5। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है जिनसे बात करेंगे फिर भी। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद थी जिनसे हमने बात करके जाना कि किस तरीके से यहाँ के वार्ड वासी ने हम पे बताया कि वार्ड 19 में क्या कुछ कमी खामी रह गई और क्या कुछ विकास होना चाहिए था। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ कमी और खामी रह गई है और आगे क्या कुछ विकास होना चाहिए। ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल लेकर आया है डूंगरपुर शहर के लोगों के लिए राहत की खबर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल दे रहा है आपको अपने हॉस्पिटल द्वारा वर्ल्ड क्लास सुविधाएं एवं इंटरनेशनल मशीन व ट्रेंड डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा सेवा, और वो भी न्यूनतम दरों पर।
अब जिले के वासियों को अपने अच्छे इलाज के लिए उदयपुर और गुजरात की तरफ रुख करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब शहर में ही आ गया है वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जहां आप पा सकते हैं उत्तम सेवाओं वाली नारायणी लेबोरेटरी, जिसमें सभी तरह की सोनोग्राफी, 4D सोनोग्राफी, TVS सोनोग्राफी और इसी के साथ कई अन्य प्रकार की सुविधा जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और डिजिटल एक्सरे। इसके साथ ही आपको मिलता है मीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा हड्डियों से जुड़ी परेशानियों या फिर किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा, जिसमें शामिल है स्पाइनल सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, जर्मन मशीन द्वारा बिना चीरे के हड्डियों का ऑपरेशन, सीरियस एक्सीडेंट की चोटों का इलाज और है शहर का सबसे उत्तम सेवा मुहैया कराने वाला जननी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलता है स्त्री रोग संबंधित समस्त बीमारियों का परामर्श एवं उपचार। तो अब देर किस बात की, आज ही सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जाकर वर्ल्ड क्लास और शहर की सबसे उत्तम सेवाओं का अनुभव ले और वो भी बिल्कुल न्यूनतम दरों पर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के सामने, नया हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। कॉल एट 02964294949, 7597004949, 9587242111। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतीयन मार्केट समूर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतीयन मार्केट सरकार की स्वीकृति और COVID-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतीयन मार्केट में, फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतीयन मार्केट। सीबीसी न्यूज़ के नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में वार्ड 19 के लोगों से, वासियों से बात करते हुए हमें जिस खंबे की परेशानी के बारे में पता पड़ा था, अभी हम उसी खंबे के सामने खड़े हैं। तो जो ये कपड़े सूखे हुए हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो कपड़े हैं वो कोई कपड़े सुखाने का स्टैंड नहीं, बल्कि एक बिजली का खंबा है। जी हाँ, देखकर आपको भी हैरानी हो रही होगी किस तरीके से एक बिजली के खंबे पे कपड़े सुखाए गए हैं। ये जो खंबा आप पीछे देख सकते हैं पूरी तरीके से खजा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं एक पाँव में दरार आने के कारण ये पाँव इसका जो झुक रहा है और कट गया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इस खंबे का नीचे झुकना और गिरना कभी भी संभव हो सकता है। क्या नाम है सर? वरुण गांधी। क्या कुछ विकास हुआ पिछले 5 साल? 5 साल में विकास तो बहुत कुछ हुआ है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर का नाम राष्ट्रीय पटल पे भी गया है। आपके क्षेत्र में पर्टिकुलर में मेरी वार्ड की बात करूँ तो बहुत सीमित विकास रहा है मेरे वार्ड में, क्योंकि एक तो हम नगर परिषद के ठीक पास में हैं, या कहें नगर परिषद की परछाई में ही रह रहे हैं, तो शायद दिया तले अंधेरा वाला बात है, क्योंकि ये आपके सामने जैसा ये पार्क है, ये इसका विकास 5 सालों में आज तक नहीं हुआ है। रही बात पार्षद की, तो पार्षद की बात करूँ तो 5 साल में उन्होंने हमसे पूछने का भी नहीं रखा कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ में आपको विकास चाहिए। बस वो पार्षद बन गए तो उन्होंने हमसे जीतने के बाद एक मुलाकात भी जरूरी नहीं समझी कि नगर के या वार्ड के बाशिंदे हैं या जो रह रहे हैं उनसे मिले करें। मतलब चुनावी वादे किए और उस पर खड़े नहीं उतरे, ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा कहा जा सकता है कि कम से कम उनको ये तो होना चाहिए कि वार्ड के जो निवासी हैं उनसे एक सामूहिक रूप से प्रयास करके विकास की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, ये तो एक गुप्ता जी एक विजन लेके चल रहे थे, और भाजपा का जो बोर्ड है वो विकास को लेके बिल्कुल, और जैसे कि हमने देखा कि सड़कें और नाली सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त से जुड़ी, तो क्या आपको भी ऐसा आपके क्षेत्र में परेशानी आती है? बिल्कुल आती है सर, आप सड़क की हालत देखिए, हमारी सड़क की हालत बताएंगे आपको, आप खुद देख भी सकते हैं
ये आरओ प्लांट बना हुआ है, ये यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी उन्होंने खुद अपने हाथों से नाली बनाई है। और क्या ये इतनी बड़ी समस्या है तो परेशानी आप लेकर जाती होंगे पार्षद के पास, क्या वो सुनवाई कर पाते हैं? सर पार्षद जी एक तो इसीलिए अवेलेबल नहीं होते हैं, तो कई बार उनको बोला भी जाता है, कहा जाता है, लेकिन वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं ये हमारा जो वार्ड है वो नगर परिषद में आता ही नहीं है, या हम जा रहे हैं वो उनके वार्ड का हिस्सा। कितना नंबर देना चाहेंगे पार्षद को? मैं 3.5 या 4 नंबर दी थी। सबसे मुख्य बात इस वार्ड में बात करते हुए हमें पता पड़े कि किस तरीके से ये जो पीछे आप अधूरा गार्डन बना हुआ देख सकते हैं, ये बिल्कुल नगर परिषद के पीछे ही है, नगर परिषद के पीठ के पीछे ये गार्डन बना हुआ है, लेकिन अभी तक ये इतने टाइम से इसका काम चल रहा है पर ये अधूरा क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जहाँ डूंगरपुर का हर एक रोशन चेहरा सामने निकल कर आ रहा है, वहीं क्या नगर परिषद के पीठ के पीछे बना हुआ गार्डन अभी तक अधूरा है? आप सीमेंटेड इसके ऊपर देख सकते हैं और अभी तक इस पर काम चल ही रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके अलावा इस वार्ड में घूमते हुए हमने सड़क और नाली की एक दो बड़ी सबसे बड़ी समस्या देखी, जहां महिलाओं का और पुरुष सबने मिलकर हमें इन दो चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी शिकायत की है। इसके साथ मैं आपको बता दूं किस तरीके से हम और भी इस सब से जुड़े सारे सवाल हम पार्षद से पूछेंगे। चलिए पार्षद की तरफ रुख करते हैं। सीबीसी न्यूज़ के नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में वार्ड 19 की परिक्रमा पूरी करने के बाद अब हम आ पहुंचे वार्ड 19 की पार्षद आशा राठौर के पास। आइए इनसे जानें कि आखिर क्या कुछ विकास वार्ड में देखने को मिला और अगर जो विकास नहीं हुआ उसका कारण क्या था। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ विकास आपने वार्ड में किया। जी सबसे पहले तो हमारे सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 5 सालों में जो पहले कभी विकास नहीं हुआ है उस विकास की गाथा को डूंगरपुर में लाए, और वार्ड नंबर 19 में जो पिछले 20 सालों से सामुदायिक भवन को लेकर एक बहुत बड़ी उलझन चल रही थी उसको सोल सर ने किया, और हमारे इस वार्ड नंबर 19 में एक सार्वजनिक सामुदायिक भवन बनाकर सभी वार्डवासियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी। वार्ड 19 में सामुदायिक भवन की आपने बात की, इसके अलावा जो हमें मुख्य रूप से परेशानी देखने को मिली वो सड़क से जुड़ी थी और नालियों से जुड़ी थी, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कई जगह ऐसी सड़कें और नालियाँ हैं जो टूटी हुई है और साफ नहीं कराई जाती। पहले तो इससे भी बड़ी थी कि पहले सड़कें ही नहीं थी, गड्ढे थे, और ये जो बड़ा सबसे बड़ा नाला है ये था ही नहीं, नाला बहुत बड़ा था उसको छोटा करवा के पहले पानी की समस्या थी कि भाई पानी पूर्ण रूप से नहीं जा पा रहा था, तो नाला सही करवा के और सड़क को पूर्ण रूप से बनवा के और सर ने बहुत अच्छा करा। आपने नाला की बात की लेकिन लोगों की शिकायत है कि नाला तो बनवा दिया गया लेकिन अभी भी उसमें सफाई कर्मचारी नहीं आते और सफाई ढंग के रूप से नहीं की जाती। नहीं नहीं सफाई तो हो रही है, हाँ जब सर के जाने के बाद अभी पिछले 2-3 महीनों से ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन पहले तो हर सप्ताह सफाई होती थी नाले की। सर के जाने सभापति के जाने के बाद लेकिन पार्षद का भी एक प्रतिनिधित्व बनता है कि वो उसकी जिम्मेदार रखे। जी मतलब हाँ हम पार्षद पद पे थे लेकिन अब पिछले 2 महीने से हम पार्षद पद से हट चुके हैं तो थोड़ी समस्या आ रही है, बाकी पहले ये कोई समस्या नहीं थी। एक और बड़ा आरोप आप पर लग रहा है कि आप आश्वासन दिया जाता है, जब भी लोग शिकायत करते तो आप आश्वासन देते पर उस पर कार्य नहीं कर पाते। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हर मतलब अगर बड़ा आश्वासन कार्य अगर इतना बड़ा हो कि अगर हमारी सीमा से अगर आगे हो तो पूर्ण नहीं होता है, बाकी जो हमारे लेवल का काम होता हो तो हर हमने प्रयास किया है कि पूर्ण रूप से सही मतलब सफल हो। मिर्ची गली में एक अनोखी शिकायत हमको ये देखने को मिली कि किस तरीके से एक मुख्य मार्ग होने के नाते जो सफाई की गाड़ी होती है वो मुख्य मार्ग तक ही सीमित रह जाती है, उनके अंदर कोई सफाई काम नहीं हो पाता और उन्होंने कई बार आपसे शिकायत भी की पर इसके बाद भी आपने कोई सुनवाई नहीं की, ये आरोप है। वहाँ पे एक छोटा ठेला गाड़ी लगवाई थी और जैसे कि कचरा बाहर के जो लोग हैं वो उनको बाहर तो फेंकने आना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। मैंने बोला उनको कि भाई थोड़ा तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ हाँ सरकारी मतलब जैसे कर्मचारी है उनको प्रॉब्लम आती थी उनके लिए गाड़ी जरूर लगवाई थी। और एक और चीज़ है कि आप दौरे पर नहीं निकल पाती, आप दौरे पर नहीं जाती है वार्ड के, ऐसा क्यों? नहीं सर वो क्या है लोगों की ये शिकायत रहती है कि अगर हम हर दूसरे तीसरे दिन या 2-3 दिन सप्ताह में एक बार तो पूरा वार्ड हम भ्रमित नहीं करता। हाँ अगर कोई योजना आती है और अगर लोगों तक नहीं पहुँचाई हो तो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर जब भी कोई योजना आई है तो हमने वार्ड में जाके सबको सूचना दी है, फ़ोन के जरिए दी हो चाहे यूँ दी, लेकिन सूचना पूरी दी। नगर परिषद के पीछे ही एक उद्यान है जो अधूरा पड़ा है, 4 साल से उसका काम चल रहा है पर अभी भी वो अधूरा है, इसका आपने वो लिया? जी सर वो कार्य इसलिए पूरा नहीं हुआ है कि पहले तो थोड़ी जमीन को लेकर समस्या चल रही थी उधर, और जब ये पूर्ण चालू मतलब काम चालू किया सर ने तब कोई ना कोई समस्या आ गई, और अब कार्यकाल पैसों का है मतलब उनके पास बजट नहीं आया था, जब बजट आया तो अब हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका है। लोगों से बात करते वक्त एक और आरोप आपको ये लगा कि जैसे जन आधार कार्ड की योजना है ऐसी कई सारी योजना आप सूचित नहीं कर पाते वहाँ तक, ऐसा जन आधार कार्ड की योजना तो अभी आई है पिछले
3-4 महीनों से, मतलब एक ही किस्त में जन आधार कार्ड बने थे उसके बाद से बंद हो गए थे, जो ये कोरोना काल में बंद हो गए थे, कोरोना काल से पहले ही बने हैं जन आधार कार्ड और एक ही किस्त में आए थे, दूसरी किस्त बंद हो गई थी, अभी तक बने नहीं है। अब इन लोगों को यूँ बोला गया है कि जो आपके पास जो भामाशाह कार्ड है उसको ले जाके और उसी से जन आधार कार्ड बनवाओ, और ये सूचना हमने वार्ड में सब लोगों को दी है, लेकिन लोगों को हर चीज़ यूँ है कि घर आके दो, मतलब वो खुद कुछ नहीं कर सकते घर जाके, मतलब उनको नगर परिषद जाना पड़ता है एक बार, ये सूचना दी है लेकिन वो नगर परिषद जा नहीं सकते, उनको तो घर आके सब चीज़ देनी होता है। हमारे साथ वार्ड 19 की पार्षद मौजूद थी जिससे हमने कई सारे कड़े सवाल पूछे, सफाई को लेकर, सड़क को लेकर जो सबसे बड़ी मुख्य वार्ड में परेशानी थी इसको लेकर सवाल पूछे गए, तो इनका कहना था कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पुरजोर कोशिश की है दोनों में सफाई और उसको बैठाने की, लेकिन किसी बहाने किसी कारण से वो नहीं हो पाया। इसके अलावा हमने पूछा कि किस तरीके से जो नाला और टूटी हुई नालियों की समस्या जो यहाँ के लोग फेस कर रहे थे इन पर इसका क्या कहना है, तो पार्षद ने हमें बताया कि किस तरीके से उन्होंने आगे शिकायत भी की और इस पर पूरी तरीके से संज्ञान लेने का भी पुरजोर कोशिश किया गया। इसके अलावा जो जन योजना जैसे कि जन आधार कार्ड की योजनाओं को पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की पार्षद द्वारा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी तरीके से किसी कारणवश वो वहां तक नहीं पहुंच पाया और लोगों को आत्मनिर्भर होने का भी कहा गया। इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम और भी वार्ड में जाएंगे, वार्ड 20 और 21 और आगे वार्ड में बढ़ते जाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे वहां की सच्चाई क्या है और धरातल का स्तर क्या है।